नमस्कार एवरीवन, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के ऊपर चर्चा करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी मेंस की दृष्टि से। अगर आप द हिंदू अखबार नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते तो हमारी वीडियो को देखें। हम हर रोज़ द हिंदू अखबार से आर्टिकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारा विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और साथियों को इसका फ़ायदा हो। लाइक करें, अगर कोई सुझाव है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर और वीडियो चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2018। पूरी दुनिया में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब दुनिया में पहली बार बदलते पर्यावरण के मुद्दे पर स्टॉकहोम में चर्चा की गई 1973 में। इस दिन विश्व के देश जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली भयानक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस कदम उठाने को एक साथ आते हैं। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत ने की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का यह 45वां सम्मेलन है और इसका थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है। अर्थात इस पर्यावरण दिवस का मेन मुद्दा प्लास्टिक उपयोग को कम करना, जो कि हमारे प्रदूषण में सबसे बड़ा कारक बन चुका है। शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में खराब पर्यावरण परिस्थितियों और उसके बढ़ते दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है, क्योंकि आज के टाइम में 180 देश विश्व पर्यावरण संगठन में जुड़ चुके हैं और वो सभी देश पर्यावरण समस्या से समाधान के लिए अपना अपना योगदान देने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए खास विषय चुना जाता है और उस पर परिचर्चाएं, गोष्ठियां, मेले, प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन किया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसके क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण समस्या को एक मानवीय चेहरा प्रदान करना, अर्थात पर्यावरण समस्या को एक मानवीय समस्या के रूप में प्रकट करके उसका समाधान की ओर प्रयास करना, लोगों को टिकाऊ और समतापूर्ण विकास के कर्ता धर्ता बनाना, अर्थात उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि लोग इसके प्रति सचेत हो सकें। इस धारणा को बढ़ावा देना कि पर्यावरण समस्या के प्रति लोगों का अभिरुचियों को बदलने में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न देशों, उद्योगों, संस्थाओं और व्यक्तियों की साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि सभी देश व समुदाय और सभी पीढ़ियाँ सुरक्षित और उत्पादनशील पर्यावरण का आनंद उठा सकें। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है? जो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का जमीन या जल में इकट्ठा होना, जिसकी वजह से जमीन खराब हो जाती है या अर्थात अनुपजाऊ हो जाती है या जल प्रदूषित हो जाता है, उसको कहते हैं प्लास्टिक प्रदूषण, जिससे वन्य जंतुओं और मानव के जीवन पर बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारी तेज दौड़ती जीवन शैली में हम एक यूज एंड थ्रो का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक बार यूज करने के बाद हम प्लास्टिक को, पन्ने को, डिस्पोजल को फेंक देते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है और प्लास्टिक में प्रदूषण का योगदान आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है। प्लास्टिक के असीमित उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो गई है, जिसका समाधान करना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तेजी से हम आज का टाइम में प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, 2020 तक दुनिया भर में 12 अरब टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाएगा और जिसको साफ करने में सैकड़ों हजारों साल लग जाएंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसी वस्तु दिखाई देती है जो पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी होती हैं, उन्हें प्लास्टिक सामग्री का उपयोग हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं? प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव तो अगर हम देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? ये प्लास्टिक सागरों, महासागरों और नदियों में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हमारी जल विविधता को बिल्कुल हानि पहुंचाते हैं। हानि क्या? उनको ख़त्म ही कर देते हैं। और दूसरा है माइक्रोप्लास्टिक, बे छोटे छोटे कण वायु के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही घातक, मतलब मृत्युजनक बन जाते हैं। जो प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रत्येक वर्ष दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैगों का निर्माण होता है उपयोग के लिए। हर वर्ष कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंच जाता है, जो कि प्रति मिनट अगर आंकड़ा लगाएं तो एक ट्रक कचरा इकट्ठा होता है। प्रत्येक पिछले 10 सालों में जितना प्लास्टिक की मात्रा उत्पादन हुआ है, वो उससे पिछले 100 सालों में उत्पादित मात्रा से भी अधिक है।
हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक में 50% प्लास्टिक का प्रयोग सिर्फ एक बार करते हैं, अर्थात तो उसको यूज एंड थ्रो के रूप में देख सकते हैं। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं और हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए कुल कचरे में 10% योगदान प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग पहल की है। इसमें नंबर एक, चीन ने जनवरी से प्लास्टिक के सभी आयातों पर रोक लगा दी है और कनाडा ने प्लास्टिक कचरे की वजह से एक इमरजेंसी लागू कर दी है। उसने प्लास्टिक कचरे को एक साइड के अंदर इकट्ठा करके दबा दिया है। फ्रांस ने 2016 के बाद से प्लास्टिक के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है और 2020 तक यह प्लास्टिक के जो भी सामान है, प्लेट हैं, कप हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। ऐसा ये पहला देश है जिसने प्लास्टिक से बने रोज़मर्रा की जरूरत के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रवांडा ने इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए देश में प्राकृतिक रूप से अपघटित न होने वाले सभी उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह अफ्रीकी देश 2008 से प्लास्टिक मुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट, रवांडा 2008 से प्लास्टिक मुक्त देश है। स्वीडन ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ अधिकांशतः है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाता है। आयरलैंड ने भी 2002 में प्लास्टिक बैग पर टैक्स लागू कर दिया, जिसके कारण लोग इसके ऊपर यूज करने से पीछे हटने लग गए हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण और भारत के प्रदूषण में भारत की क्या भागीदारी है? पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 62 मिलियन टन ठोस कचरा होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन टन कचरा प्लास्टिक से तैयार होता है। महाराष्ट्र राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिदिन 23,449.66 मीट्रिक टन ठोस कचरे का उत्पादन किया जाता है। इस कचरे में सामान्य से 5 से 6% प्लास्टिक कचरा होता है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक उच्च आणविक द्रव्यमान का कार्बनिक बहुलक होता है, जिसका अपघटन बिल्कुल नहीं होता, हजार लाखों वर्ष तक के बाद अपघटित होता है। ये आमतौर पर सिंथेटिक होते हैं, अधिकांशतः पेट्रोकेमिकल द्वारा बने होते हैं। प्लास्टिक खतरनाक क्यों होता है? पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका अपघटन नहीं होता। दूसरी बात, इसमें पॉलिस्टीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन जैसे पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। ये कृत्रिम पॉलीमर आसानी से कोई भी आकार ले लेते हैं। इनमें उच्च रासायनिक प्रतिरोध होता है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निर्माणकर्ता बहुत से ड्यूरेबल, निपटान योग्य डिस्पोजल वस्तुओं और पैकिंग आदि पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक के बायोडिग्रेड होने की इसी प्रतियोगिता के कारण प्लास्टिक की एक बोतल को पिघलने में या अपघटित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक कचरे के निपटारे के तरीके क्या क्या हैं? सबसे बड़ा तरीका है आम जनता का जागरूक होना। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तो प्लास्टिक के कचरे के निपटान के सभी तरीके व्यर्थ और खोखले साबित होंगे। पहला मेन तरीका है आमतौर पर प्लास्टिक के सड़ने की प्रवृत्ति देखते हुए इसको गड्ढे में भर देते हैं। दूसरा उपाय क्या है? इसको जलाया जा सकता है, लेकिन यह पर्यावरण वायु प्रदूषण की दृष्टि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो पॉलीस्टीरीन होता है वो जलकर CFC यानी क्लोरोफॉर्म कार्बन निकलता है, जो कि हमारे ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें जो प्रस्तुत पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसको जलाने से क्लोरीन, नायलॉन और पॉलीयुरेथेन को जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसें निकलती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को गर्म करती है और ओजोन परत को ह्रास पहुँचाती है। प्लास्टिक के निपटान का सबसे तरीका और सर्वाधिक चर्चित तरीका है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, जो कि पर्यावरण दृष्टि से बहुत अच्छा है अगर ये शुरू होता है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण का मतलब है प्लास्टिक को पिघलाकर दोबारा उसी से कोई अन्य वस्तु बनाकर उसका प्रयोग करना पुनर्चक्रण कहलाता है, और इसका प्रयोग सबसे पहले 1970 में कैलिफोर्निया के एक फर्म ने किया था। पर्यावरण की दृष्टि भारत की स्थिति कैसी है? वेरी, बहुत खतरनाक, बहुत बदतर स्थिति है। इंडिया की 180 देशों में से 178वां स्थान प्राप्त है पर्यावरण श्रेणी में, जब और इसका सुरक्षा की दृष्टि से भी खराब है और वायु की गुणवत्ता बढ़ाने में भी वह असफल रहा है। पिछले 3 साल के अंदर इंडिया में 36,000 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है। संवैधानिक उपाय क्या क्या किए गए हैं? भारत के मूल संविधानों में 297(1), 297(2), 297(3) जो अनुच्छेद हैं वो समुद्रीय संसाधनों के प्रबंधन और विनियम के लिए संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। 42वें संशोधन में भी 2 अनुच्छेद जोड़े हैं, 48A और 51A को जोड़ा गया है। पर्यावरण के संवर्धन और वन्य जीव के सुरक्षा के लिए राज्य नागरिकों को उत्तरदायी बनाया गया है। वर्तमान समय में देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया है, जो कि वैसे तो है
न के बराबर। लेकिन कानून क्या है, कोई भी उत्पादक और दुकानदार 50 माइक्रोन से कम मोटी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यह प्लास्टिक बैग पर लागू नहीं होता। पर्यावरण सुरक्षा संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो व्याख्याएं की गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं पोज करके, और भारत को प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रयास कर सकते हैं हम लोगों को जागरूक करके, खरीदार करते समय कपड़े की थैले ले जाएं और प्लास्टिक की थैले का पुनर्प्रयोग करें, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली कैटेगरी में निवेश करें, पहले से पैक किए गए जाने वाले खाद्य पदार्थ की खरीदारी कम करें, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत इस वर्ष 8 अप्रैल से कचरे का पृथ्वीकरण अपेक्षित है, अर्थात प्लास्टिक कचरे को अलग किया जाए और बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग किया जाए। इससे क्या हो सकता है, हम इससे क्या हो जाएगा, जो बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ प्लास्टिक का कचरा समुद्र में जाने से बच जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1977 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से जॉर्जिया में विश्व के पहले पर्यावरण शिक्षा पर अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, लोगों को इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना। सम्मेलन के दिशा निर्देश क्या थे, पर्यावरण और इसकी संपूर्णता पर विचार करना, यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसकी शुरुआत प्राथमिक सत्र के विद्यालयों से प्रारंभ होनी चाहिए, इसका दृष्टिकोण बहुत विषयक हो, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों की पर पहचान करना। वर्ल्ड बैंक के दिशा निर्देश क्या क्या हैं, वर्ल्ड बैंक पर्यावरण ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो क्या हैं, पर्यावरण से संबंधित मूलभूत और वैज्ञानिक ज्ञान देना लोगों को, सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर ऐसे ज्ञान को व्यवहार में लाना, ज्ञान देने से काम नहीं चलता, उसको व्यवहार में लाना जरूरी है। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए विशेष पर्यावरणीय ज्ञान प्रदान करना, वास्तविक जीवन से संबंधित व्यवहारिक समस्या को हल करने में सर्वांगीण दृष्टिकोण अपना। अगर हम पूरा पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालें तो क्या निकलता है, मुख्य रूप से विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा दिन है जब हम अपने पर्यावरण का जिम्मा अपने हाथों में ले सकें, हमारी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सक्रिय से भागीदारी लेनी चाहिए। हाँ, चाहे हम पेड़ लगाकर करें, चाहे मिट्टी के अपघटन को रोक कर करें, चाहे फसल को बदल बदल कर खेती करने से करें, लेकिन हमारा 2018 का विषय क्या रहा है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण को हराएं, अर्थात प्लास्टिक के उत्पादों का कम से कम प्रयोग करें और बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का ही प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप रूटीन में हमारे न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।